पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई की सामत आने वाली है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अब पंजाब पुलिस के रिमांड पर सौंपा जाने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हाल में ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस बिश्नोई अभी तक आर्म्स एक्ट में दिल्ली पुलिस के रिमांड पर है, उसे आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस अब मूसेवाला हत्याकांड में रची हुई साजिश के बारे में पूछताछ करेगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पंजाब नहीं जाना चाहता। उसका तर्क है कि पंजाब पुलिस मूसेवाला हत्याकांड को लेकर उसका एनकाउंटर कर सकती है। उसने इस मामले में एनआईए कोर्ट और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मानसा पुलिस ने उनके पिता बलकौर सिंह के बयान दर्ज किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही थी। पुलिस ने सीधे लॉरेंस पर केस दर्ज नहीं किया, लेकिन बयान में उसका नाम दर्ज है। इसी आधार पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट मांगा जाएगा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कह चुकी है कि लॉरेंस ने ही इसकी साजिश रची थी, जिसे कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और सचिन थापन ने अंजाम दिया था। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई अपने करीबी अकाली नेता विक्की मिद्दुखेड़ा के मोहाली में हुई हत्या से नाराज था, जिसके बाद उसने दूसरे गैंगस्टरों के सामने तिहाड़ जेल में कसम खाई थी कि वो मूसेवाला को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिलहाल अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में अब लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस ले जाएगी, लेकिन देखना है होगा कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस के सामने जाने से डर रहा है और वो ये मांग कर रहा है कि पंजाब उसे ना भेजा जाए, तो क्या पंजाब पुलिस अब उससे पूछताछ करके उस सारे दबे हुए राज निकलवा पाएगी जो लॉरेंस बिश्नोई ने अपने सीने में दफन कर रखे हैं।